हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन रेल फैन। और आज मैं काफ़ी टाइम बाद कोई रूट इंस्टॉलेशन की वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। तो आज की जो वीडियो है वो है मुंबई 2011 रूट की इंस्टॉलेशन के बारे में। इसका एक रूट है मुंबई 2015, उसकी इंस्टॉलेशन के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। बट अभी मुंबई 2011 की बात कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो लंबा हो जाता है, इसीलिए आज की वीडियो में सिर्फ मुंबई 2011 की ही बात करेंगे। और इसकी काफ़ी टाइम से एक जो पर्सन है वो हर वीडियो पर मेरी कमेंट भी कर रहा था कि उसको मुंबई रूट की जो इंस्टॉलेशन वीडियो चाहिए, तो आज मैं बना दी है वो वीडियो। तो अब इसको एंड तक देखते रहिए ताकि आपको कोई एरर ना आए। तो जो मुंबई 2011 रूट है उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको 6 फाइल्स चाहिए होंगी। ये 6 फाइल्स मैंने डाउनलोड कर रखी हैं। और उसके बाद आपको जो है ये सारी जो फाइल्स हैं 6, ये आप irmsts.in से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए irmsts.in लिखे, ये गूगल का पेज खुल जाएगा और सबसे पहले जो ये लिंक है इस पर क्लिक कीजिए और ये आपकी साइट खुल गई है। और इसके बाद आप इस डाउनलोड्स पे क्लिक कीजिए और आपको ये नीचे आएंगे मुंबई 2011 रूट फॉर MSTS लिखा हुआ मिलेगा और ये 6 फाइल्स आपको जो है मिल जाएंगी। तो आप इसको बारी बारी से डाउनलोड कर लीजिए। अब ये फाइल 103 MB की ऐसे ही है। टोटल सारी फाइल्स मिला के हमारी 364 MB की हो जाती हैं। तो सबसे पहली जो मेन बात है वो ये है कि इसमें हमें इस फाइलों को एक्सट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट इंस्टॉल होंगी। तो अब मैं पहली जो फाइल है उसको इंस्टॉल करता हूँ। तो मैं पहली फाइल पर डबल क्लिक करूँगा और इस पे ये मांग रहा है रन के लिए, तो मैं रन करूँगा इसको क्योंकि मुझे रूट इंस्टॉल करना है। अब ये सी प्रोग्राम फाइल्स माइक्रोसॉफ्ट गेम ट्रेन सिमुलेटर ये जगह मांग रहा है, बट मेरी तो यहाँ पे गेम इंस्टॉल ही नहीं है। तो आपकी जहाँ भी गेम इंस्टॉल है आप उसका पाथ दीजिए, जैसे मेरी ई ड्राइव में गेम्स का फोल्डर और फिर MSTS का फोल्डर के अंदर मैंने एक डेमो मॉडल का फोल्डर बना रखा है, उसमें मेरी गेम इंस्टॉल है, तो मैं उसको क्लिक करूँगा। ये अब मेरी फर्स्ट फाइल जो है इंस्टॉल होने लग गई है। इसका जो है ये रूट जो है ये CST पुणे नासिक मेन लाइन है इस रूट में। इसके बाद जो मुंबई 2015 रूट है उसमें सीनरी अपडेटेड है और इसमें लिखा हुआ है कि क्या और चीज़ इसमें ऐड करी हुई है। पनवेल कर्जत सेक्शन हैज़ इश्यूज और इसमें असली में तो जो है सिंगल ट्रैक है, बट रूट के अंदर डबल ट्रैक दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, आप बस इंस्टॉल कीजिए। अब मेरी ये फर्स्ट फाइल जो है इंस्टॉल हो चुकी है, नेक्स्ट एग्जिट कर दीजिए। अब इसी के बाद सेकंड फाइल की बारी आती है। ये अब इस पे आपको लिखा हुआ आएगा अगर आपकी जो ये फाइल है सी ड्राइव में इंस्टॉल्ड आपने नहीं कराई या डी किसी भी ड्राइव में आपने इंस्टॉल करा है, तो आपको ये ज़रूर लिखा हुआ आएगा कि दिस प्रोग्राम माइट नॉट हैव इंस्टॉल्ड करेक्टली। तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए दिस प्रोग्राम इंस्टॉल्ड करेक्टली बिकॉज आपने जो पाथ है बिल्कुल सही दिया। तो इसके बाद आप कीजिए सेकंड जो फाइल है उस पर डबल क्लिक कीजिए और इसको भी ऐसे ही नेक्स्ट नेक्स्ट आई एग्री विद द अबव टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आप इस रूट को किसी भी तरीके से पैसों में नहीं बेचेंगे या किसी भी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे जो इलीगल हो, तो आप इसको एग्री कीजिए ये टर्म्स एंड कंडीशन को और फिर वही पा दीजिए जो था मेरा ई ड्राइव में गेम्स के फोल्डर में MSTS के फोल्डर में डेमो मॉडल का जो फोल्डर था वो है।
तो मैंने वो पार्ट दे दिया। अब इसको मैं एक बारी कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि बारी बारी पे मेरे को वो पार्ट खोलना नहीं पड़ेगा। अब मेरी ये सेकंड फाइल भी इंस्टॉल हो रही है, होगी। अब एक बारी रिफ्रेश कर लीजिए और उसके बाद थर्ड फाइल को ओपन कीजिए। आई एग्री विद द अबव टर्म्स एंड कंडीशंस। अब यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए डेमो मॉडल 1। नेक्स्ट स्टार्ट। थर्ड पार्ट भी हमारा इंस्टॉल हो चुका है। और अब एक और जो मेन बात है मैं आपको वो बताता हूँ कि ये फोर्थ फाइल को खोलिए और रन कीजिए। इसमें यहाँ लिखा हुआ है कंप्लीट वर्जन 7 फाइल्स में है, बट मैंने तो आपको बताया कि भैया आपको 6 फाइल्स डाउनलोड करनी है। वो इसलिए है क्योंकि जो 7th फाइल है, ये देखिए मैंने ये साइट खोली है और यहाँ पर ये दिया हुआ है 7th पार्ट, और इस पे जो है पार्ट 7 जो है वो एक्टिविटीज़ के लिए है। तो इसमें सारी एक्टिविटीज़ हैं जो बनाई हुई हैं इस रूट के लिए। आप एक्टिविटीज़ को trainsim.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और तो अभी आपको अगर ज़रूरत है, अगर आप ये वाली एक्टिविटीज़ खेलना चाहते हैं तो आप इसको भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है, लिखा हुआ है टेस्टेड बट स्टिल कुड बी हैविंग प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम हो सकती है ये रूट को प्ले करने में। और उसके बाद ये हमारा जो चौथा फाइल हमने खोल रखी थी, हम उसको इंस्टॉल करते हैं। हमारी ये फाइल हो गई। अब 5th फाइल को ओपन करते हैं, रन, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और फिर वही पाथ यहाँ पे दीजिए और फिर नेक्स्ट करके स्टार्ट कर दीजिए। इसके बाद ये खुल गया, दिस प्रोग्राम इंस्टॉल करेक्टली, इसको कर दीजिए। इसका मतलब ये है कि आपने सी ड्राइव में इंस्टॉल नहीं किया, तो मतलब आपकी जो रूट है वो गलत जगह इंस्टॉल्ड हुआ है। तो अब ये चलाइए हमारा लास्ट पार्ट जो है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, आई एग्री, और फिर यहीं पे पाथ दीजिए अपने उसका, नेक्स्ट स्टार्ट। ये इंस्टॉल होने के बाद मैं आपको ये जो रूट है वो चला के भी दिखाऊंगा कि ये रूट चलता है या नहीं चलता है। तो चलिए, ये होने के बाद मैं आपको ओपन रेल्स में चला के दिखाऊंगा कि ये रूट चलता है या नहीं चलता। हो जाने दीजिए। आपको जो मुंबई 2015 का जो इंस्टॉलेशन की जो एक वीडियो मैं कह रहा हूँ, इसके बाद अगली वीडियो में आएगा जो, वो मैं आपको 1-1.5 हफ्ते के अंदर दे दूंगा, क्योंकि मेरे अभी जो है हॉलीडेज समर वैकेशंस नहीं हुई हैं और साथ में ही मेरे स्कूल का जो है ट्रिप जा रहा है, तो मैं उनके साथ जा रहा हूँ बाहर। इसी वजह से मैं दो एक दिन शायद ऑनलाइन भी ना आ पाऊँ, इसी वजह से थोड़ा लेट हो जाएगा, 1 हफ्ते तक का टाइम लग जाएगा नेक्स्ट वीडियो डालने में। तो अब हमारी ये 6 की 6 फाइल्स जो हैं इंस्टॉल्ड हो चुकी है। अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ। तो अब मैं आपको अपना जो रूट है वो चला के दिखा रहा हूँ। तो अब यहाँ से ओपन रेल्स को मैंने ओपन किया और मैं अब आपको यहाँ से दिखाता हूँ चला के, एक सेकेंड। डेमो मॉडल की जो मेरी इंस्टॉलेशन प्रोफाइल है वो खुली हुई है और अब मैं रूट सेलेक्ट करूँगा मुंबई 2011, और ये भी है दिया हुआ, एक्सप्लोर रूट भी है, कोई भी कर लीजिए। तो
मैं करता हूँ। इसमें से कोई भी मैं एक इंजन सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया ये वाला, ठीक है। और अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। और अब स्टार्ट करने के बाद थोड़ा लोडिंग लेगा ये, और फिर लोडिंग के बाद ये रूट जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। आप में से काफ़ी लोगों को हंसी आ रही होगी कि जो मैंने लोको लिया है वो गाज़ियाबाद का वेब फाइव है, एंड जो उसके कोचिस हैं वो पश्चिम एक्सप्रेस के हैं। तो मैं जस्ट आपको एक करके दिखा रहा हूँ कि रूट चलता है या नहीं चलता, बस और कुछ नहीं दिखा रहा। वैसे मेरे पास डेक्कन क्वीन के भी कोचिस हैं, और हैदराबाद मुंबई 17032 के भी कोचिस हैं, और भी बहुत सारी गाड़ियों के कोचिज हैं। मगर मैं अब वो इंस्टॉल करने पड़ते पहले, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ऐसी किसी भी लोग दूसरी से चला के दिखा दूँ। ये देखिए, अब यहाँ से आप देखिए, ये देखिए, हाय हाय, रूट जो है एक बिल्कुल सही चल रहा है, चालू हो चुका है रूट। थर्ड नंबर पे दिखाता हूँ मैं आपको, ये हम कर्जत पे हैं। तो बस यहाँ से अब आप रूट को चलाइए और मज़े से खेलिए, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए वीडियो को जिनको मुंबई 2011 रूट इंस्टॉल करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल आइकन, ताकि आप मैं जब 2015 रूट की वीडियो डालूँ आपको पता चल जाए। और भी जो मैं नई वीडियोज डालूँ गेम प्ले की और रेलवे से रिलेटेड, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।